हाय बच्चों, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छे से चल रहा होगा आपका। जो कॉलेजेस के रिव्यूज हैं वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा वीडियोज आपको बना के दे सकूँ, बट टाइम की थोड़ी सी कमी की वजह से ज्यादा वीडियोज नहीं बन पाती है। तो आई होप कि आपको अच्छी लग रही होंगी कॉलेज की रिव्यूज। मैं कोशिश करता हूँ कि जितने से ज्यादा कॉलेजेस मैं कवर अप कर सकूँ जितनी जल्दी से जल्दी, बट टाइम का बहुत लिमिट चल रहा है। तो आज भी कॉलेज रिव्यू, जिसमें कि आपको एक थोड़ी सी हेल्प मैं देने की कोशिश करूंगा कि ये कॉलेज ठीक है कि एवरेज है, कैसा है। मेरे खुद का एक पर्सनल ओपिनियन होगा कि किस तरीके का ये कॉलेज है और किस टाइप के बच्चे को यहाँ जाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। द कॉलेज नेम इज GITM, ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट। गुड़गांव के अंदर है, फारुख नगर डिस्ट्रिक्ट, फारुख नगर के अंदर आपको ये कॉलेज मिलेगा। कॉलेज कैसा है तो वन लाइन में अगर मैं बोलूँ तो एवरेज, नॉट दैट गुड। ठीक है, अब कुछ बच्चे जो इस कॉलेज से पढ़ रहे होंगे बोलेंगे हमारे पास भैया ये है वो है। ठीक है यार, सब कॉलेजेस में कुछ ना कुछ प्लस पॉइंट होता है, कुछ नेगेटिव पॉइंट होता है, बट मुझे कुछ खास नहीं लगा, मुझे एवरेज कॉलेज लगा। तो व्हाई आई एम रिव्यूइंग दिस कॉलेज, क्वेश्चन ये है। तो कॉलेज को रिव्यू करने से पहले थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो कॉलेज के ओवरव्यू के बाद हम बात करते हैं कॉलेज के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है। फैसिलिटीज के नाम पे यहाँ पे आप कह सकते हो कि गुड इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक तौर पे प्लेग्राउंड अच्छा है, कॉलेज का कैंपस ठीक ठाक है, नॉट दैट गुड, नॉट उतना बड़ा नहीं है। लेकिन अगर फारुख नगर के एरिया में अगर मैं जा रहा हूँ तो एवरेजेस में जो बेस्ट मुझे थोड़ा सा ठीक लगा, दैट इज SAITM मुझे ठीक लगा। इसकी वीडियो मैं बना चुका हूँ, मैं आपको ऊपर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको लिंक, उसे क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हो पूरी की पूरी। मुझे ठीक लगा, बट SAITM भी में भी गड़बड़ क्या है कि वहां पे आप एवरेज प्लेसमेंट ही एक्सपेक्ट कर सकते हो, यहाँ प्लेसमेंट की मेरे हिसाब से तो कोई गारंटी नहीं है। देने को बोलने को ये 80%, 90%, 100% बोलते हैं, बट झूठ मैं नहीं बोलूंगा, कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पे आपकी खुद की परफॉर्मेंस अगर अच्छी हुई तो आप प्लेस हो सकते हो। कॉलेज में कंपनीज आती हैं और आपके टैलेंट के ऊपर ज्यादा होता है। तो कोर्सेज किस किस टाइप के ऑफर करते हैं, तो ये अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट सब टाइप के कोर्सेस ये ऑफर करते हैं। कोर्सेज के अंदर हम जाएं, सबसे पहली चीज अंडर ग्रेजुएट्स में देखें तो BTech सबसे पहला, BTech के बाद आपका ये लेटरल एंट्री, उसके बाद आपका BBA, BCA, BPharma और BPharma लेटरल एंट्री। BTech में ये कोर्सेज कराते हैं आपका कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस इन BTech। ये बोल सकते हो कंप्यूटर साइंस की सीट बढ़ाने का एक तरीका, 120 120 120, 360 सीट आपको कंप्यूटर साइंस मिलेगी और ये कॉलेज की सीट्स कभी नहीं भरती है, मुझे जहां तक पता है। मैं मे भी सही हूँ, मे भी रॉन्ग हूँ, बट कॉलेज की सीट्स नहीं भर पाती हैं क्योंकि इस कॉलेज में बच्चे उतना प्रीफर नहीं करते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट में आप इसमें से MBA और MTech दोनों कर सकते हो, बट आई विल लिटरली नॉट रिकमेंड यू टू डू MTech और MBA फ्रॉम दीज टाइप्स ऑफ कॉलेजेस। या मास्टर्स तो आप एटलीस्ट अच्छी जगह से करो, अगर आप ग्रेजुएशन अपनी अंडर ग्रेजुएशन कर रहे हो, ग्रेजुएशन ले रहे हो आप इन जगह से, तो मास्टर्स तो कम से कम अच्छी जगह से लो। तो बात आती है कि मैंने वीडियो क्यों बनाना चाहा, क्योंकि यार बच्चे देखो बहुत कंफ्यूज हैं कि यार बच्चे क्या करते हैं, 60-70% नंबर लाते हैं 12th में, ठीक है, और उन्हें भूत सवार होता है हमें क्या कहते हैं अगले साल हम JEE क्लियर कर लेंगे, अगले साल हम वो कर लेंगे, वो ड्रॉप ईयर की सोचते हैं और 60-70% में डायरेक्ट कहीं एडमिशन भी नहीं हो रहा, JEE की रैंक भी नहीं है, आपको पास एक ही ऑप्शन बचता है कि यार 5 लाख रुपए डोनेशन दो, एडमिशन अच्छे कॉलेज में करा लो। लेकिन आपके पास उतने पैसे नहीं है, आपको पैसे बचाने हैं, BTech आपको मान के चलो मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 लाख को कंप्लीट करनी है
हॉस्टल डालोगे तो वो तो अलग खर्चे में बीटेक बता रहा हूं, अंडर 4 लाख रुपीज में इस कॉलेज से आपकी बीटेक कंप्लीट हो जाएगी। बीटेक सीएससी की मैं बात कर रहा हूं, बीटेक सीएससी आप इस कॉलेज से करो, एवरेज प्लेसमेंट ठीक ठाक होगी, 2-2.5-3 लाख रुपए का पैकेज आपको मिल जाएगा। यार बीटेक सीएससी में आपको मेहनत अपने खुद अपने हाथ से करनी पड़ेगी, अपने आप कहनी करनी पड़ेगी, आपको लैंग्वेजेस सीखो, इस कॉलेज में एडमिशन लो। ड्रॉप ईयर करने से अच्छा है, इफ यू आर नॉट गुड ड्रॉप ईयर करने की सोच रहे हो तब आप इन कॉलेजेस को प्रीफर कर सकते हो, नहीं तो इन कॉलेजेस को आप अवॉइड कर सकते हो। अगर अच्छी रैंक है आपकी, अच्छे मार्क्स है, तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल नहीं है, कृपया करके स्किप कर दें इस वीडियो को। जिनकी अच्छी रैंक नहीं है, जिनके अच्छे मार्क्स नहीं आए क्लास 12th के अंदर, उनके लिए ये कॉलेज एक वरदान की तरह है, इनको एक मौका मिलेगा इस कॉलेज के अंदर। अच्छे से आप पढ़ के उन कॉलेज में आप जाके, एवरेज कॉलेज में जाके आप अच्छी पढ़ाई करो, खुद ब खुद आप ऑनलाइन कोर्सेज कंप्लीट करो, उसके साथ जब 4 साल का बीटेक आपका कंप्लीट होगा तो आपकी प्लेसमेंट लगी जानी है। नहीं भी लगेगी, आप एक्सटर्नल कंपनीज में जाके बैठ सकते हो, कंपनीज बाहर से भी आप कंपनी में जाकर बैठ सको, जरूरी नहीं कि कॉलेज ही आपको प्लेस करे। अपने टैलेंट पे भरोसा रखो, हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। 1-2-3-4 साल का स्ट्रगल होगा, उसके बाद अच्छी जॉब मिलनी है। मेहनत का रंग खिलता ही खिलता है, शुरुआत में आपको हार नहीं माननी होती, बस यही है। तो कॉलेज की फीस कितनी है, 85,000 फीस है। कॉलेज कहाँ पे है, तो फारुख नगर डिस्ट्रिक्ट जो पड़ता है आपका, दिल्ली एनसीआर के अंदर कॉलेज है। कॉलेज कैसा है, तो कॉलेज ठीक है, एवरेज है, मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। किस स्टूडेंट्स को प्रीफर करना चाहिए, तो उस टाइप के स्टूडेंट्स को प्रीफर करना चाहिए जिनके मार्क्स 12th में अच्छे नहीं आए हैं और वो अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं कि हम अच्छा अगले साल कर लेंगे, जेई क्लियर कर लेंगे। नहीं बेटा, अगर आप 12th में अच्छे परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हो तो जेई तो आपसे होनी से रही। आप कोई बिल्कुल डिफरेंट स्टूडेंट नहीं हो कि जो आप अपने आप को बेवकूफ बनाना छोड़ दो और चुपचाप से इन कॉलेजेस में एडमिशन लेके अपना बीटेक कंप्लीट करो। बीटेक ही क्यों करें, अगर हम बोलेंगे सर डीयू से बीएससी कर लेते हैं, बीएससी ग्रेजुएशन जो है नॉर्मल ग्रेजुएशन है और बीटेक जो है आपका एक स्पेशलाइज ग्रेजुएशन है, तो इसलिए मैं आपको प्रेफर दूंगा कि बीटेक करो। बीटेक के बाद अगर आपको मन लगे इस कॉलेज में या इस कोर्स में या इस फील्ड में रहने का मन करे तो रहना, नहीं तो ग्रेजुएशन तो आपकी कंप्लीट हो ही गई है, उसके बाद आप कहीं और भी स्विच कर सकते हो, कुछ और भी सोच सकते हो। इंडिया में कहावत है कि जब कुछ समझना है तो बीटेक कर लो, उसके बाद देखेंगे जिंदगी में क्या करना है। तो आई होप ये वीडियो आपको सही लगेगी और सही बनाने की कोशिश मैंने करी है, बच्चे प्लेस भी हो रहे हैं इस कॉलेज से, अच्छी जगह पे जा रहे हैं, तो ठीक ठाक है कॉलेज, तो मुझे सही लगा। एवरेज तो है ही बट ठीक ठाक है, जिन बच्चों के मार्क्स कम आ रहे हैं वो इसमें एक बार चांस ले सकते हैं, जाके घूमें देखें कैंपस को किस टाइप का कैंपस है। बट उस एरिया में मुझे SAITM ज़्यादा अच्छा लगा। तो बाकी आपके पैसा है, आपके ओपिनियन है, आपकी लाइफ है, आपके डिसीजन है, मैं आपकी बस एक गाइडेंस के तौर पर हेल्प ही कर सकता हूँ। बाकी अगर वीडियो आपने यहाँ तक देख लिया, अच्छा लगा है अगर आपको वीडियो, तो प्लीज़ लाइक कर दो और अपने दोस्तों को जो 12th में एडमिशन ले रहे हैं उनको शेयर करो, बताओ भाई ये कॉलेज कैसा है। अगर कंफ्यूजन है उन्हें तो पर्सनली आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से चेकआउट कर लेना। और अगर मुझे आप हेल्प करना चाहते हो तो मैं अपनी UPI ID भी आपको दे दूंगा यहाँ पे, आप मुझे हेल्प भी कर सकते हो, क्योंकि यार इन सब वीडियोस को बनाने में थोड़ी मेहनत भी लगती है, हमारा भी कुछ रेवेन्यू आ जाए। ऐड से तो कुछ आ नहीं रहा क्योंकि सब्सक्राइबर है नहीं, आप लोग सब्सक्राइब करते नहीं, वीडियो देखते हो और चले जाते हो। तो ऐसा करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी, योगदान आपका 1 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 5 लाख, 50 लाख, 50 करोड़ सब एक्सेप्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी सी हेल्प कर सकते हो आप हमें भी, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिले कि यार चलो वीडियोस बनानी है। तो एक तौर पे क्राउड फंडिंग बोल सकते हो, ये है, जिनको पसंद आया वो कर सकते हैं, जिनको ना पसंद आया कोई दिक्कत नहीं है। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, थोड़ी सी बड़ी हो गई। बाय बाय, टेक केयर, अगली ब्लॉग में मिलते हैं या अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।